जिसमें करीब 62 के आसपास हमारी कश्मीर प्रोविंस से, पूरे प्रोविंस से मेम्बरान वर्किंग कमेटी के शामिल हुए और कुछ अपनी बीमारियों की वजह से नहीं शामिल हो पाए। मुद्दा दो तीन ही है। नंबर एक के हम टोटल जो 25 लाख वोटर्स का शमूलियत का ऐलान करने की कोशिश की जा रही है उसको ANC रद्द करती है, और उसके साथ साथ जो 370 और 35A पर जो काम चल रहा है इस वक्त, अगले 90 डेज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कश्मीरी पंडित बौद्ध, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन 89-90 डेज में कुछ भी हो सकता है, और इस पर हम कमर बस्ता हुए हैं। और परसों जो हमारी 10 तारीख को ऑल पार्टी मीट हो रही है, उसमें मैं बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तरफ से भी इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि हम उसमें बहुत गहरी नज़र रख रहे हैं दिल्ली के साथ, अपने लॉयर्स के साथ। सो उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट विल गिव जस्टिस टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उसके अलावा जो आजकल ये सूरत हाल बन रही है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, हमने ये फैसला आज लिया हमारी प्रोविंशियल वर्किंग कमेटी ने ANC की, कि हम वी विल फोर्स एंड ट्राई आवर लेवल बेस्ट दैट PAGD फाइट्स इलेक्शंस टुगेदर, क्योंकि ये डिमांड आज यहां के आवाम की है, जम्मू के, कश्मीर के, हिंदू मुसलमान और सिख की, क्योंकि मामला ही कुछ सामने ऐसा है कि अकेले अकेले हम शायद इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इकट्ठे होकर मिली इतिहाद, मुझे उम्मीद है कि भाजपा को हम जम्मू कश्मीर से रुखसत कर देंगे। अगर अल्लाह ना करे, क्योंकि ये मामला फिर जेरगोर होगा, जैसे हमारे बाकी भी लीडरान ने कहा है, उस वक्त देखा जाएगा क्या होगा। इसलिए ANC आज से एक हमगीर मुहिम, जिसको आप कह सकते हैं अवामी राबता, इट इज स्टार्टिंग एंड गोइंग पब्लिक। और हमने फैसला किया है कि तीन जगह पे हमारे कन्वेंशन और जलसे होंगे, नॉर्थ जोन में बारामूला में, साउथ जोन में अनंतनाग में, और फिर फाइनल यहां पे श्रीनगर में। और ये प्रोग्राम हमको खत्म करने हैं अक्टूबर के 31 तक। क्यों करने हैं? सो दैट ANC इज रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। कल को कोई भी इम्तिहान सामने आए, वी शुड बी रेडी एज अ पार्टी। और उसके अलावा हम ये चाहेंगे कि जैसे आप यहां पर जितने भी हमारे आप बैनर्स देख रहे हैं, ये सिर्फ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही ये क्या कहते हैं इसको मंशूर नहीं है, ये एक एक यहां के फर्द बशर का मंशूर है। ये जम्मू वाला भी आज बोलता है, और जम्मू से आवाज आज ये है कि 370 तो बाद की बात है, वी वॉन्ट द स्टेट एज इट वॉज वेन महाराजा हरी सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया। मरहबा उन लोगों पर। और मैं उन तमाम साथियों से जो यहां पर अपनी अपनी दुकानें इस वक्त चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू वालों से भी कुछ सीखिए आप लोग, वो क्या कह रहे हैं, और आप लोग क्या कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड पर ही काम चलाएंगे। 370 तो छोड़ दीजिए, वो क्या करना है उसको, मेरे भाई स्टेटहुड तो इनको देना ही देना है, वो तो मेरा राइट है, उसको कोई नहीं छीन सकता। जिस 370 के तहत आप लोगों ने गवर्नमेंट चलाई है, ओथ लिया है राजभवनों में जाकर, वो 370 आज
मांग रहा है कि मेरी पूरी रियासत खड़ी हो जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा और इसको वापस करने का कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि आवर केस इज अ वाटर टाइट केस। और मैं, जैसे मैंने आपने अभी सुना, मैं एक तजवीज रखने जा रहा हूं जम्मू में ऑल पार्टी मीट में, कि अगर आप लोग हमारे ऊपर ये 25 लाख गैर रियासती बाशिंदों को मसलत करने की कोशिश में उससे बाज नहीं आएंगे, तो हमारे पास एक चारा, एक विकल्प रहेगा कि हम सब अपने यहाँ के जो भी लेबरर हैं, जितने भी ये लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं जम्मू में भी और यहाँ पर भी, हम उनसे हाथ जोड़ कर कहेंगे कि भैया जब तक ये मैटर हमारा आपका दुरुस्त नहीं होता है, हम आपको यहाँ पर नौकरियाँ नहीं दे सकते हैं, हम आपको अपने घरों में नहीं रख सकते हैं, तब तक आप मेहरबानी करके अपना इंतज़ाम कीजिए, सरकार के पास जाके ये इंतज़ाम कीजिए। इसकी मैंने आज यहाँ पर अपनी प्रोविंशियल कमेटी में बइतफाक़ के राय से ये बात कही गई कि हाँ ये मामला आप वहाँ उठाइए, क्योंकि जम्मू के लोग भी हमसे ज़्यादा परेशान हैं कि भाई हम इस ये जो सैलाब आने वाला है इसको कैसे रोका जाए।